ना आटा गूंदने की ज़रूरत है, ना पेड़ा बनाने की और ना ही बेलने की ज़रूरत है, लेकिन मैंने माशाल्लाह इतना मज़ेदार एग पराठा कैसे बना लिया है कि मुझे आटा गूंदने की ज़रूरत ही नहीं हुई। आप भी बना सकते हैं। जी हाँ, और ये देखें माशाल्लाह कितनी नरम, सॉफ्ट और जूसी बना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल अब्दुल्ला बेटी। अगर न्यू लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये देखें माशाल्लाह मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के एक प्याली यानी मैदा लिया, तो इसमें ये देखिए मैंने बारीक गाजर काट के डाली, इंतहाई बारीक ही काटी है, तो काट ये इसमें ऐड किया, तो इसके अंदर थोड़ा सा मैंने प्याज ऐड किया, ये भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था। तो ये देखें माशाल्लाह ये भी मैंने डाले, तो ये टमाटर डाल दें, ये भी मैंने बारीक काट लिए। इसमें आपने चीज़ें जो हैं वो बारीक यूज़ करनी है, तो ये थोड़ी सी मैंने सब्ज मिर्च यूज़ की है, तो और ये थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा, हरा धनिया इसलिए डाला है। तो ये देखें माशाल्लाह थोड़ा सा नमक ऐड किया, ये गर्म मसाला ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ी सी रेड चिली जाएगी, सुरख मिर्च, हरा धनिया मैंने इसलिए डाली क्योंकि चार चांद लग जाती हैं, क्योंकि ग्रीन ग्रीन हो जाता है काम। और दो एग मैंने यूज़ किए हैं, और ये देखिए माशाल्लाह एग भी इसके अंदर ऐड कर लिया। और मिसपिला पर के अब इनको अच्छी तरह मिक्स किया जाएगा। तो जैसे ही मिक्स किया जाएगा तो आपने बहुत एहतियात से मिक्स करना है। सबसे पहले जो एग है उसको अच्छी तरह मिक्स करने की कोशिश करते हैं, ताकि एग जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ताकि क्योंकि ये एग पराठा है। तो ये देखें माशाल्लाह ये एग तो मैंने मिक्स कर ली है, तो अब आपने क्या करना है मेरे ज़रूर अच्छा सा फीडबैक देना, और ये भी बताना है कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस मुल्क, शहर, गांव, सिटी से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता तो चले कि मेरी वीडियो कहाँ तक देखी जा रही है, किन लोगों के पास जा रही है। तो अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये देखें माशाल्लाह अब इनको मैं मिक्स कर चुकी हूँ, और मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा मैं करके पानी ऐड करती जाऊँगी, ताकि इसका जो हमने डोज बना रहे हैं यानी लिक्विड, वो थोड़ा सा पतला रखेंगे, क्योंकि हमने एग पराठा बनाया तो इसके लिए थोड़ा सा लिक्विड ही काम चलेगा। तो ये अच्छी तरह मिक्स करते जा रही, थोड़ा सा पानी ऐड करती जा रही हूँ। जस्ट जैसे ही आपका डोज यानी लिक्विड तैयार हो जाएगा, तो आपने इसको बस 5 से 10 मिनट तक बिल्कुल रेडी मतलब कुछ छोड़ देना है, ताकि जो चीज़ें हमने इसके अंदर यूज़ की हैं वो हर जगह अपनी अपनी जगह पर परफेक्ट काम आ जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह डोज तो हमारा तो रेडी हो चुका है, इसको अच्छी तरह हमने मिक्स भी कर लिया, और ये देखिए आपने इतना पतला रखना है। तो ये देखिए काम मुकम्मल हो चुका है, इसे मैं अब थोड़े से 5 मिनट तक इंतज़ार करूँगी। तो तब तक आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक मैंने सास मान लिया, तो इसके अंदर थोड़ा सा मैंने घी यूज़ किया, ऑयल वगैरह। तो ये देखें अच्छी तरह आपने इसके चारों साइड पर लगा लेना है। लगाने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, क्योंकि ने 5 मिनट तक इसको आराम दिया था। आराम देने के बाद इसको इस तरह थोड़ा सा हमने इसको जोश देना है, ताकि जो चीज़ें हमने यूज़ की हैं वो अच्छी तरह इसमें आ जाए। और आपने इसको अच्छी तरह एक बार इस तरह फैला देना है। फैलाने के बाद फ्लेम आपने हमेशा इसका लो ही रखना है, और थोड़ा सा इंतज़ार करना है, इसको नीचे वाली साइड हमारी पक जाएगी। तो इसको आपने इस तरह एक चमचे की मदद से इस तरह आपने इसको नीचे से लगने से बचाना है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये नीचे साइड हमारी बन चुकी है। एक थाली लेंगे, इसके ऊपर हम इसको पलट देंगे। तो ये कि ये साइड पलट चुकी है, अब इसको हम दूसरे नीचे फिर ऑयल लगाएंगे, इसका रुख ऐसे चेंज कर देंगे। और देखें माशाल्लाह ऊपर वाला साइड का लुक कितना खूबसूरत और यूनिक आया है। तो माशाल्लाह एक हट के रेसिपी बनी है। अगर आप अपने बच्चों को ब्रेक मतलब कि ब्रेकफास्ट या लंच या फिर स्कूल में भी बना के दे सकते हैं, बच्चे बड़े शौक़ से खाएँगे। तो ये देखें माशाल्लाह नीचे वाली साइड भी बन चुकी है। इसी तरह हम थाली लेके इसको पलट देंगे, और कलर देखे माशाल्लाह इतना खूबसूरत आया। इस तरह मैंने तकरीबन 3 से 4 मैंने इस तरह ही बना ली थी अपनी, ये देखे परफेक्ट। और ये देखे लुक देखे माशाल्लाह कितना अच्छा है। और ये देखिए इसमें मैंने सब्ज़ियाँ यूज़ की हैं, यानी आप घर में जो चीज़ें वही मैंने ऐड की, इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। अगर आप ये बच्चों को खिलाएंगे बड़े शौक से खाएंगे, और जो बच्चे सब्ज़ियों से दूर भागते हैं, और ये परफेक्ट एक तरीका है उनको सब्ज़ियाँ खिलाने का। तो माशाल्लाह अल्लाह ने हमें इतनी खूबसूरत चीज़ें दी हैं खाने के लिए। तो दुआ इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह मेरी लंबी ज़िंदगी सेहत अता और खुशियाँ अता फरमाए। तो नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, आपने मुझे अच्छा सा फीडबैक देना, और ये भी बताना है कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ किस व्लॉग किस रेसिपी पर बनाऊँ। तो ये देखें माशाल्लाह इतना जूसी और नरम बना था, और माशाल्लाह और मैंने ये देखे परफेक्ट काम हो चुका है। तब तक मुझे दुआ में याद रखें, और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। तब तक मुझे अल्लाह हाफिज़ अभी नहीं करना, क्योंकि आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया। तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो दूसरे लोगों तक जरूर जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सलाम का जवाब जरूर दीजिएगा, अच्छे से फीडबैक दीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़, अब है अल्लाह हाफिज़।